फिर से वेलकम है आपका पार्ट टू के अंदर। एक्चुअली कोई लिंक में इशू हो गया था, इसलिए जो है क्लास जो है बीच में रुक गई थी और हमें फिर से कंटिन्यू करना पड़ रहा है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो हम थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर रिटन डॉक्यूमेंट्स अबाउट फॉर्मेशन एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशंस एग्जिस्ट एंड आर रिक्वायर्ड ओनली इन डेमोक्रेटिक कंट्री। इसमें बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होता है और रिक्वायर्ड होता है किसके अंदर? ओनली डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी मोनार्कीज वगैरह भी ऐसा है, कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है डेमोक्रेसी होना ही जरूरी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक लॉ बुक है। तो लॉ बुक तो एक राजा जो है वो भी लगवा सकता है अपनी पूरी कंट्री के अंदर, जैसा कि हमारे पुराने ज़माने के अंदर जो एंशियंट इंडिया है उसके अंदर जो है अशोका के था, या गुप्त जो डायनेस्टी थी वहाँ था, अकबर के टाइम में था, और भी बहुत से राजा थे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डेमोक्रेसी ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहीं पे भी बनवा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये वाला भी जो क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट डज नॉट डील विथ आइडियल्स एंड वैल्यू। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है? आइडियल्स और वैल्यू के साथ जो है डील नहीं करता। नहीं, ऐसा गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो ज़रूरी है आपकी कंट्री की आइडियल्स क्या है, आपके कंट्री के वैल्यूज़ क्या है, पीपल के वहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उनके वैल्यू क्या है, उनके आइडियल्स क्या है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है? फिर फॉल्स हो जाता है। तो तीन तो आपके हो गए फॉल्स। फिर बढ़ता है आपका फोर्थ। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इट्स सिटीजन अ न्यू आइडेंटिटी। क्या ये नई आइडेंटिटी देता है? हाँ, नई भी देता है और पुरानी को भी आगे लेके आता है। ठीक है, ह्यूमन को ह्यूमन बनाता है। हमने ये डिस्कस भी किया था, डाउट आया था तब, यही डाउट आया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको पहचान भी देता है, एक नई पहचान देता है। कैसे? हम जो है ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो है गुलाम थे, कॉलोनी के अंदर जो है गुलाम थे, वहाँ से जो है हमारी आइडेंटिटी कहीं जो है खो गई थी कि हम जो है इंडियंस जो है कैसे हुआ करते थे। फिर 200 सालों अराउंड 190 ईयर्स की जो है स्लेवरी के बाद में हमें जो है नई आइडेंटिटी मिली है कि हम जो है कहीं पे भी घूम सकते हैं एज अ ह्यूमन जो है, हमारा क्या नेचर है, हमारी लैंग्वेज क्या है, हम किस स्टेट से आते हैं, हमारे राइट्स क्या है, हमारे ड्यूटीज़ क्या है, ये सारी पहचान जो है अब हमें किसने फिर से लौटाई है? कॉन्स्टिट्यूशन ने लौटाई है। तो इसको आप जो है ट्रू कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके हो गए थर्ड क्वेश्चन। अब आता है फोर्थ में। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इन्फ्रेंस अबाउट द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट और इनकरेक्ट। गिव रीजन्स टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, अब बताना करेक्ट या इनकरेक्ट और इसके रीजन्स जो है। ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट रिप्रेजेंट द इंडियन पीपल सिंस इट वॉज नॉट इलेक्टेड बाई ऑल सिटीजन्स। ये बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो उसमें जो पीपल थे ना वो इंडियन सिटीजन को जो है इंडियन सिटीजन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। उसमें जो लोग थे वो जो है उनका डायरेक्ट इलेक्शन जो है नहीं हुआ था, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, और हमने जब पढ़ा था या जब आपको बताया था तब मैं आपको ये बताया था, हाँ डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं हुआ था पर उसके कुछ साल पहले 1937 में इलेक्शंस हुए थे, तब वो लोग जो थे या काफ़ी लोग जो है उसी में से सेलेक्टेड थे। प्लस उस वक्त के जो नेशनलिस्ट लीडर थे, उस वक्त के जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, प्लस जो कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी या कांग्रेस जो पार्टी थी, उसने यही ट्राई किया था कि इंडिया के हर एक कोने से, फिर वो प्रिंसली स्टेट हो, फिर वो किसी प्रोविंसेस के हो, किसी भी छोटी से छोटी पार्टी के ही क्यों ना हो, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के ही क्यों ना हो, सबका इन्वॉल्वमेंट जो है वो किसके अंदर हो जाना चाहिए? इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी गलत होती है कि जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि नहीं थे। ठीक है, इलेक्शन ज़रूर नहीं हुए थे पर जो सिलेक्शन था वो जो मिस्टर महात्मा गांधी वगैरह ने जो थे, जो भी हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने ये कोशिश की थी कि सोसाइटी का लगभग लगभग हर सेक्शन के जो है कुछ एक दो आदमी भी जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर आ जाएं, ताकि क्या हो उनकी बात जो है इजीली वो कन्वे कर सके। तो इस हिसाब से देखें तो वो सही भी है कि सारे लोग आ गए थे और सभी की बात जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है रख दी गई है, इसलिए जो है ये स्टेटमेंट जो है आपका क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है ना।